हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपके पास भी एयरटेल का सिम है और आपके एयरटेल की इंटरनेट स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है या फिर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल पा रहा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी एयरटेल वाली सिम को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू एयरपिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसपे कि प्लस का निशान बना हुआ है। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नेम वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप कर देना है एयरटेल और स्पेस देकर आपको दोस्तों यहाँ पर टाइप कर देना है इंटरनेट बूस्टर। तो दोस्तों जो जो स्पेलिंग और जिस तरह से हमने टाइप किया उसी तरह से सेम वही स्पेलिंग और उसी तरह से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है, जिसका नाम है APN। तो दोस्तों APN वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप कर देना है BOOSTER बूस्टर और स्पेस देके यहाँ पर टाइप कर देना है VOL.3। तो दोस्तों इसी तरह से जिस तरह से हमने टाइप किया सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और ओके कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़र नेम वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है एयरटेल और स्पेस देके आपको यहाँ पर भी टाइप कर देना है इंटरनेट बूस्टर। तो दोस्तों सेम यही स्पेलिंग आपको यहाँ पर भी टाइप कर देनी है और टाइप करने के बाद दोस्तों इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा APN प्रोटोकॉल और APN रोमिंग प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर सेम यही सेटिंग रखनी जो कि हमने यहाँ पर रखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसी तरह से सेटिंग रखनी है। तो दोस्तों आप रोमिंग वाले पर भी आपको इसी सेटिंग पर रखना है। तो दोस्तों इन दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको बियरर वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दोस्तों ये ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एज तक की सेटिंग सेलेक्ट कर लेनी है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपकी सेटिंग ये कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको मोर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आपकी सेटिंग यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अभी इसको इस न्यू वाली सेटिंग पर क्लिक कर देना है जो कि हमने अभी क्रिएट की है। तो जैसे ही आप इस पर क्रिएट सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपका इंटरनेट बंद होकर दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो दोस्तों आप एक बार दोबारा से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके मोबाइल में इंटरनेट स्पीड सॉल्व हो जाएगी और आपकी इंटरनेट स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक मूवी डाउनलोड करने के लिए लगा देते हैं और आपको इसकी स्पीड दिखा देते हैं किस तरह की स्पीड यहाँ पर हमारी आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी स्पीड 1 Mbps तक की आसानी से आ जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने मोबाइल के इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं और अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल पा रहा तो उसको चला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।